नमस्कार लल्लन टॉप के सभी दर्शकों को, ये काफ़ी फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो गया है। लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, सब्जी गोभी की बनी है, हल्दी डाल के उबाली है, काहे से सीजन थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो पता नहीं कि अभी गोभी में कीड़े की मियाद बची है या ख़त्म हो गई है। साथ वाले लौने लफाड़े बड़े खुश हैं क्योंकि उनको श्वेत दंडिका का एक बड़ा पूरा पैकेट मिल गया है, तो वो सुपर स्टॉकिस्ट हो गए हैं। और बीती रात अपने राम ने खूब पका हुआ पाइनएप्पल खाया है और अब लॉकडाउन डॉरी में हमारी तरफ से आपको पकाना बंद होगा क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं दो मेहमान। एक हमारे परमानेंट भुइयां बज्जू हिमांशु वाजपेयी, जो अपने आप का परिचय दास्तांगो के तौर पर देते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हिमांशु हैं, हमारे दोस्त हैं, और आज के हमारे लॉकडाउन के तीसरी डायरी के हमारे मेहमान हैं गौरव सोलंकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। इनका अच्छा तारुफ दीजिए भाई, बकायदे। आप कर दीजिए। अच्छा, तो ये गौरव सोलंकी हैं और इनका एक लोकप्रिय तारुफ ये है कि इन्होंने अभी जिस फिल्म ने पिछले दिनों बड़ा नाम कमाया, बड़ा हमारी सोच को झकझोरा, आर्टिकल 15, उसके ये को राइटर हैं और उसके लेखक हैं और उसके डायलॉग राइटर भी हैं। और इसके अलावा मेरे नज़दीक जो इनका जो तारुफ मुझे पसंद है वो ये कि इनके पास ऐसी कहानियां हैं जिनका असर आप पर काफ़ी वक्त तक रहता है। तो इनकी एक किताब है राजकमल प्रकाशन से, 11वीं ए के लड़के, और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ज़बान है और कितना खूबसूरत कहानियों को बयान किया गया है जी। और हमारे दोस्त हैं, शुक्रिया, और बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दशक से ज़्यादा पुराने हो गए अब तो तकरीबन। अब बस करो, नहीं लग रहा तुम स्क्रीन से निकल के चूम लोगे गौरव को। और इनका एक तारुफ और है, एक तारुफ और है कि ये गाजर का हलवा इतना लजीज पकाते हैं कि कोई बड़े से बड़ा खानदानी हलवाई क्या वैसा पका पाएगा। बेहतरीन भैया, हमारे एक खास जगह के जो केश हैं वो गर्मी पकड़ गए हैं, सुलग गए हैं, काहे से ये बात इनको पता है और हमको नहीं पता है। नहीं, इस बार आए थे जब बम्बई तो हमने बनाया था उस दिन, और अच्छा, वरुण ग्रोवर भी आए थे उसी दिन, लेकिन उन्होंने खाया नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत खा लिया था उस दिन। अच्छा, तो आप अच्छे दोस्तों के लिए बनाते हैं, हिमांशु वरुण वगैरह के लिए? उससे पहले भी एक दिन आपने बनाया था जब आपने बर्थडे ताना तो देने दो ढंग से। हाँ करो, आप बिजी रहते हैं जब सर्दियों का मौसम आता है तो आप आते नहीं है बम्बई में, और जब आते हैं तब गाजर का हलवा खिलाया जाता है हमको। है जरूर, जब अगर सर्दी में आएंगे तो दो दो बार खिलाएंगे। शर्म कर ले, शर्म, ग्रीन टी पिलाता है, ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने से अमीर होने का एहसास होता है। लखनऊ का एक्टर जब एसएनए के बाहर जो नाटक किया करता है, जो नुक्कड़ पे चाय पीता है दूध वाली, वो जब बंबई जाता है तो सबसे पहला कायदा ये सीखता है कि वो चाय छोड़ के ग्रीन टी पीना शुरू करता है। चलिए, और तो फिर सब मोह माया है, किसी चीज में मजा नहीं रहता है। गौरव सोलंकी, लॉकडाउन क्या कर रहे हैं इन दिनों? मैं खाना बना रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, घर की सफाई कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत योग करने की कोशिश कर रहा हूँ और पढ़ाई की, तो यही सब है। टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि घर का काम इतना होता है कि टाइम ही नहीं मिलता उसके चक्कर में। योग तो आप काफी दिनों से कई किस्म के कर रहे हैं, इन दिनों कौन सा योग कर रहे हैं? नॉर्मल वाला ही योग कर रहे हैं, कोई खास योग नहीं। तसल्ली की बात यह है कि ये योगा नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अरे सोनीपत का लड़का है, योगा काहे करेगा भैया, योग ही करेगा। नहीं, सोनीपत का नहीं हूँ मैं। अच्छा, सॉरी, तुम्हारा तो बड़ा लंबा परिचय है, श्री गंगानगर, सोनीपत, रुड़की, दिल्ली, मुंबई और वेस्टर्न यूपी का भी कुछ है। मेरा हुआ बागपत में, सोनीपत में मेरी बहन रहती है, और राजस्थान में संगरिया में मेरी सारी स्कूलिंग हुई, रुड़की में इंजीनियरिंग हुई। बीटेक वाला क्या पढ़ रहे हो आजकल गौरव? मैं मिलान कुंदेरा पढ़ रहा हूँ,
द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या है इसमें हमारे दर्शकों को। ये पिछली सदी की का एक उपन्यास है जो काफी जिसने एक तरह से आके साहित्य में बहुत बड़ा बदलाव किया ऐसा बोलते हैं, मोरालिटी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, आदमी के पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेके काफी बोल्ड और तरह विविधता है इसके किरदारों में। और मैं अभी बीच में ही हूँ अभी। अच्छा। तो खासकर फोकस रिलेशनशिप्स पे है, मर्द और औरत की, और उसके एब्सर्डिटी पे भी है, उसकी इंटेंसिटी पे भी है और उसके पेन पे भी है। तो काफी बढ़िया उपन्यास है। ऐसा कुछ होगा क्या कि फर्ज करिए फॉर द आर्ग्यूमेंट से कि ये लॉकडाउन 2-3 महीने तक चलता है तो पुरुषों में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाए घर के कामों को लेकर और घर के कामों के प्रति उनके नजरिए को लेकर? जी मुझे लगता है जिसमें वो गुंजाइश होगी उसी में आएगा गुणात्मक परिवर्तन, जिसमें थोड़ा बहुत पहले से ही होगा, क्योंकि पुरुष घर में तो चाहे पूरा दिन नहीं रहते थे, कुछ घंटे रात में सोने तो आते ही थे या बाकी वक्त घर में रहते हैं। उन्होंने देखा ही है कि काम कितना होता है घर का, औरतें सुबह से रात तक लगी रहती हैं, तो बहुत सारे पुरुष तो अभी भी आराम कर रहे हैं। अच्छा। और महिलाएं खाना बना रही हैं, सारा काम कर रही हैं, और काम बढ़ गया है क्योंकि घर पे रहते हैं तो दिन भर ज्यादा खाते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन, उनकी चाय की फरमाइशें भी बढ़ जाती हैं कि अब पकौड़े भी बना दो, अब फलाना भी कर दो, तो जो वो सब फरमाइशें बाहर दूसरों के घरों पे या ऑफिस में या वहां सब पूरी करते थे वो सब भी घर पे ही आ गई हैं। तो जिसमें गुंजाइश है उसी में, उसमें जरूर आएगा परिवर्तन उसको, और अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा कि ये तो काम काफी करना पड़ता है। मुझे लगता है जो जी जी हाँ मुझे लगता है जिनमें पहले नहीं था लेकिन जो अब अकेले रह गए हैं किसी वजह से, उनमें बदलाव ज्यादा आएगा अगर आया तो। ये कहते हुए जो हिमांशु की तरफ कहाँ देख रहे हो, वो बर्तन धो चुके हैं सुबह की पाली के। हिमांशु तो शायद अपने परिवार के साथ हैं। नहीं नहीं फिलहाल तो हम और हमारे छोटे भाई अंबुज वो हैं, दो लोग हैं, बाकी पूरा परिवार जो है गांव चला गया। अरे वाह, तो अब आप घर संभाल रहे हैं। ये देखो हम बर्तन मांज हैं। लखनऊ के लिए इसकी मोहब्बत कितनी है कि कोरोना के दौर में भी इसने लखनऊ नहीं छोड़ा है बेटा, मतलब हम मान गए कसम से, भगवान कसम, दामन को छोड़ती ही नहीं लखनऊ की खाक, मिटना है आरजू इसी उजड़े दयार में। तो आप मिटने को तैयार है मतलब? और आपने कह दिया है कि दयार उजड़ चुका है। अच्छा वैसे मुंबई में इंतजाम कैसे हैं गौरव? अभी तक तो मुझे मतलब जो मुख्यमंत्री ने जो बातें बोली हैं वो काफी संजीदगी से बोली हैं कि जो लोग अपने राशन की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी जो खुली रखना चाहें, और पुलिस नरमी से पेश आए जो लोग अपने जरूरी कामों से बाहर जा रहे हैं, तो अभी तो ठीक ही लग रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब तक नहीं पड़ी क्योंकि थोड़ा बहुत सामान खरीद के रख लिया था, तो अब तक जाना नहीं पड़ा है बाहर। हाँ हवा साफ हो गई है और कोयलों की आवाज़ आती है दिन भर घर में, हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती, ट्रैफिक नहीं है, आसमान थोड़ा साफ दिखने लगा है। तो कभी कभी लगता है कि हफ्ते में एक दिन का ऐसा लॉकडाउन तो नॉर्मल सिचुएशन में भी होना चाहिए बड़े शहरों में। यार मैं ना इस पूरे उस पे, मतलब मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी नीयत से ये बात कह रहे हो, आज सुबह लल्लनटॉप की न्यूज मीटिंग हो रही थी उसमें भी इस बात का जिक्र आया, बिल्कुल जैसे वो थानोस के दौर में हडसन में डॉल्फिन लौटी थी ना। तो लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ये सब हम इस मुश्किल वक्त में देख रहे हैं ये सब, जब ये मैनमेड नहीं है, ये मतलब ये बहुत ही टेम्परेरी है, और क्योंकि इस चीज को लाने के लिए थोड़ा सा साफ आसमान और कोयल की आवाज लाने के लिए, मतलब मेरे दिमाग से वो हॉन्टिंग विजुअल नहीं जा रहे हैं कि लोग पंजाब से बलरामपुर कितनी दूर है यूपी का साइकिल चला के जा रहे हैं। हाँ है ना, और आदमी दिल्ली से लखनऊ रिक्शा चला के आया अपने माँ बाप को बैठा कर। और मैं अभी इस वीडियो कॉल से पहले एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, दो तस्वीरें थी,
जो विदेश में पढ़ते हैं छात्र, वो जब कोरोना के दौर में भारत आ रहे हैं तो तस्वीर थी कि फ्लाइट में मास्क लगाए बैठे हैं, और फिर तस्वीर थी यूपी के किसी सड़क की जिसमें स्टूडेंट हैं जिनको सड़क पे मुर्गा बना रखा है। तो मतलब ये व्यवहार हो रहा है ना, मतलब उनको तो लेके आया गया, और मतलब ये भी डिस्कस हो रहा है कि महामारी का भी एक क्लास कैरेक्टर है। हर चीज का ही होता है वो, फिर जब समाज में इतना ज्यादा क्लास डिफरेंस होगा, इतना ज्यादा भेदभाव होगा, तो वो कुछ भी स्थिति आएगी उसमें दिखने लग जाएगा। हालांकि जब चीजें बहुत बिगड़ती हैं उसके बाद वो क्लास भी मैटर नहीं करता एक पॉइंट के बाद, जैसे हम विकसित देशों में देख रहे हैं, तो स्पेन, अमरीका, साउथ कोरिया। और वही मतलब अजीब और आयरॉनिक बात यह है ना कि जिनके पास, जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, जिसने अपना महीने भर का राशन खरीद लिया है, जिसके पास सुविधाजनक घर हैं, तो वो तो एक तरह से छुट्टी मना रहा है। वो अपने खाने के वीडियो भी बना बना के डाल सकता है दिन भर, और वो अपने घर में झाड़ू लगा रहा है तो वो उसको भी इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसे बहुत बड़ा काम हो गया ये, इस पे ठीक है। हाँ, ये तो नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए थी ना, इसमें गर्व की क्या बात है, ये नॉर्मल है। और एक क्लास ऐसा है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बहुत सारे बेघर लोग हैं, बम्बई में ही कम से कम 1.5 लाख के करीब होमलेस लोग हैं, तो वो लोग कहाँ रह रहे हैं, वो पुलों के नीचे सड़क किनारे जो लोग रह रहे हैं, वो कहाँ पे जाके खुद को क्वारंटीन करेंगे, कहाँ जाके खुद को बचाएंगे, उनको रोजी रोटी कैसे मिलेगी। सरकार ने कुछ घोषणाएं तो की हैं, अच्छी बात है कि पैसा वैसा दिया जाएगा, पर बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं, जिनके नाम नहीं है लिस्टों में, मुझे नहीं पता उनको पैसा कैसे मिलेगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि हजारों लोग, जो लाखों लोग बेघर हैं और जिनकी रोजी रोटी नहीं बची, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि महीने भर का राशन खरीद के रख लें, और कई वीडियो हमने देखे कि उनको भी मारा जा रहा है कोई सड़क पे, जो आपने भी बोला कि मुर्गा बना रही है पुलिस और ये सब। तो इसके इसके लेकिन दो पहलू हैं गौरव। मतलब जैसे मैं आज सुबह चिराग पासवान, एक बिहार के नेता हैं, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो कि उनके गठबंधन के सहयोगी भी हैं, ये अपील कर रहे थे कि जैसे यूपी के मुख्यमंत्री अपने यूपी वालों को वापस सुरक्षित लेके आए, आप भी पूरे देश से बिहार वाले जहां फंसे हैं वापस लेकर आओ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वापस लेकर आना जरूरी है या जो जहां है उसे वहीं पर जीवन जीने भर की जो जरूरतें हैं वो मुहैया कराना, क्योंकि वापस लाके तो आप उसको स्प्रेड कर रहे हो ना। वो आप सारा पर्पज ही हार्म हो रहा है जिस वजह से लॉकडाउन किया गया है। तो मुझे लगता है जो सरकारी संस्थाएं हैं जो बंद पड़ी हैं इस समय, या स्कूल हैं, उनमें बड़े आराम से ऐसे लोगों को 3 हफ्ते रहने का जगह दी जा सकती है, हर जगह है सरकारी स्कूल, और ऐसे में आप साफ सफाई, क्वारंटीन, वो सब भी ज्यादा। वी आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई मीन दिस स्केल एंड कोई भी प्रिपेयर्ड था मुझे लगता है दुनिया में। हम लोगों को तो फिर भी थोड़ा सा समय मिला क्योंकि हमने इटली, ईरान, चाइना की सिचुएशन देख ली, तो तैयारी नहीं की। लेकिन गौरव तैयारी नहीं की, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया उनसे सबक लेके, जब नंबर्स कम थे तभी, लेकिन उसकी तैयारी नहीं की। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा, जो WHO बार बार कह रहा है कि टेस्टिंग ज्यादा करने की जरूरत है, अदरवाइज आप ये इंडेफिनेट लॉकडाउन तो रख नहीं सकते वैसे भी। हाँ। अगर आपने टेस्टिंग नहीं की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको बीमारी है, किसको नहीं है, किसको अलग रखना है, तो जैसे ही खुलेगा फिर से फैल जाएगी। True. फिल्म इंडस्ट्री में कैसा रिएक्शन है, मतलब काम, डेली वेज जो वहां के लोग हैं, राइटिंग बहुत हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? I'm sure कोरोना के इर्द-गिर्द के 20-25 टाइटल तो रजिस्टर हो गए होंगे। हाँ, मैंने भी न्यूज में देखा, एक इसने इरोस ने रजिस्टर कराया है, कोरोना प्यार है ऐसा कुछ टाइटल, और ऐसे न्यूज में आए थे 3-4 टाइटल। मुझे लगता है स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही होंगी खूब धड़ाधड़। हाँ, मतलब लोग तरह तरह की लव स्टोरी ज्यादा लिखी जा रही होंगी बॉलीवुड में, तो इसके अराउंड भी मुश्किल हो गया होगा वैसे काफी प्यार करना। हिमांशु वाजपेयी क्या छज्जों पर वापस से वजन बढ़ गया है इच्छाओं का, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रही है कामनाएं। हिमांशु
नहीं, मेरा ये कहना है कि आप पर तो क्या, लेकिन मोबाइल आप समाजशास्त्री हैं, क्या कह रहे हैं आप? आप समाजशास्त्री हैं और युवा पीढ़ी के नुमाइंदे हैं, इसलिए पूरे युवा पीढ़ी की तरफ से पूछा जा रहा है आपसे। नहीं भाई, मोबाइल ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है, तो मोबाइल में घुस जाते हैं लोग, छज्जों पर नहीं जाते हैं। पर वो प्यार, तो छज्जे पे एक ही बार गए थे थरिया बजाने के लिए। हाँ, क्या प्यार गौरव, क्या कह रहे? यार वीडियो कॉल से हो रहा है ना अब, जो पहले छज्जे से एक दूसरे को देख के होता था, अब तो बात करने की भी सुविधा है। अब वीडियो कॉल में छज्जे पे सिर्फ वो थाली बजाने के लिए, अब वीडियो कॉल पे तो जानू देख के डिलीट कर देना होता है। पर जब घर में सब लोग हैं तो और मुश्किल हो गया होगा बहुत सारे लोगों के लिए कॉल या वीडियो कॉल करना। पिताजी माताजी सब लोग घर पे हैं, कोने कोने आतन पकड़ के आदमी कहीं कुछ वक्त कार करता हूँ हम। लेकिन ये सोचते हैं कि ये जैसे जो वो निकाह में गुलाम अली की गजल इस्तेमाल की गई है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है? निकाह में है, तलाक में? निकाह में ही है ना, निकाह में, निकाह में, निकाह में। तो उसमें वो जो एक लाइन आती है, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है, ये भगवान कसम ऐसा लगता है कि वो कोठा हमारी छाती और पसलियों से बना है, और उसपे कोई नंगे पांव चल के आ रहा है पाजेब पहने हुए, तो वो आवाज भीतर तक उतर रही है। लेकिन अब ससुरा आदमी कहेगा, काहे इतना कल्पना कर रहे हो, वीडियो कॉल कर लो, दिख ही जाएगा। उसका जो रोमांस है, नॉस्टैल्जिया है, वो अलग ही है। पर ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम पिछली पीढ़ी के इसलिए वहीं अटके हैं और बुनियादी रूप से प्यार का व्याकरण बदल गया है। इसी पीढ़ी का हूँ। हाँ, मैं तो इसी पीढ़ी का मान रहा हूँ खुद को। और ये बहुत चतुराई से गौरव सोलंकी ने हमको बूढ़ा साबित किया। नहीं, आप भी इसी पीढ़ी के हैं। अबे पीढ़ियां बहुत बदल गई हैं, हम लोग जेन एक्स वगैरह के हैं कुछ, और आजकल चल रही है जवान हो गई है, आजकल चल रही है जेन जी, जेड है उसको, जी बोलते हैं, जेन जी चल रहा है आजकल, वो जवान हो गए हैं। अच्छा, जेन जी जवान, ये हमने नया सीखा भाई। टिकटॉक पे वही जनरेशन सबसे ज्यादा है। टिकटॉक पे तो फुर्सत ये भी बहुत मुंह में गुटखा भरे। हमने नया ये सीखा कि हम ये जो स्कार्फ पहन के आए, हम पहले ये वाली टी शर्ट पहन के आए थे, हमारी टी शर्ट दिख रही है नहीं इस पे, हमारे बड़ा जो लड़े दीन के हित। जिन दर्शकों को ना पता हो, ये गुरु गोविंद सिंह से की गई पंक्ति है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़िए खेत, वीर उसको मानिए जो कमजोरों के लिए लड़े, पूरी तरह से खत्म हो जाए लेकिन जंग का मैदान ना छोड़े। हम इसके ऊपर ये वाला स्कार्फ डाल रहे थे, तो हमको ज्ञान दिया गया कि ये पता नहीं बहुत क्रोमेटिक या क्या हो रहा है, तो जा नहीं रहा है साथ में। तुमको पता है भाई हिमांशु, क्रोमेटिक कलर भी होते हैं कुछ। मेरी फीस माफ है अंग्रेजी यार, रोमांटिक या क्रोमेटिक? अभी तक तो क्रोमेटिक थे, लेकिन अब रोमांटिक भी हो सकते हैं। चश्मा होता था फोटोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक ही बोला था ना, मोनोक्रोमेटिक, माफ करिए, मोनोक्रोमेटिक कलर है ये, कंट्रास्ट शेड क्या है। ले माथे पे हाथ धर के ज्ञान चला गया है सामने से। तो गौरव, फिल्म इंडस्ट्री में लिखाई किस तरह की हो रही है आपकी, बाकी को राइटर, बाकी राइटर्स से और सबसे बात हो रही है? बात मेरी तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, मैं तो आइसोलेशन का पूरा लाभ उठा रहा हूँ, और हो रही होगी बिल्कुल। हालांकि राइटर्स पे मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, जिससे भी बात करो वो कह रहा है तुम्हारे लिए तो आइडियल टाइम है, एक स्क्रिप्ट निपटा दो 21 दिन में। तो इतना प्रेशर कभी नहीं था एक स्क्रिप्ट निपटाने का, अब जितना आ गया है। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है अमेज़न प्राइम के लिए जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो भी शायद इस साल रिलीज होनी है, वो इस साल के आखिर तक रिलीज होनी है, शूट हो गया है, पॉलिटिकल थ्रिलर है वो, सैफ अली खान लीड रोल में है, सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, मोहम्मद जीशान अयूब, सुनील ग्रोवर और बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं उसमें, और उमुद मिश्रा,
डायरेक्ट किया है। हाँ कुमुद मिश्रा। हाँ तो संध्या मृदुल, कृतिका कामरा, टाइटल क्या है? अनूप सोनी। टाइटल उसका अभी डिसाइड नहीं हुआ है, दिल्ली है फिलहाल वर्किंग टाइटल, पहले तांडव था जी, और अभी दिल्ली है, लेकिन शायद बदल सकता है। इट्स अ और पॉलिटिकल थ्रिलर। इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की कहानी है, एक यूनिवर्सिटी की कहानी है थोड़ी बहुत उसके साथ, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, उसके जो मैनिपुलेशन है पावर के लिए, लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या कहानी दिखाई जाती है, अंदर क्या कहानी होती है, थोड़ी सी उसकी झलक। हिमांशु बहुत चहक रहे थे, हमने कहा कि आज हम गौरव सोलंकी को लेंगे, आप कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मिश्री धरे हैं, मुंह में मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल। उनको गाजर का हलवा याद आया। ये सब हुमा शुमा की बातें हैं, सार्वजनिक तौर पे क्या सवाल पूछे जाए। नहीं, हाँ पूछिए भाई, ये हाँ सारी इस पूरी बातचीत का मकसद ही ये है कि हमारा जिनसे याराना लगता है उनसे नहीं, मैं शादी, हमें गौरव से ये जो पूछना है लोग कि घरों में खिलस रहे हैं और क्योंकि कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कम से कम उनको थोड़ा सा इस अड्डेबाजी का लुत्फ मिले। नहीं, हमें गौरव से ये पूछना है कि ये कविताएं बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेकिन इधर कविताएं, इनकी नई कविताएं पढ़ने को नहीं मिल रही हैं, तो क्या उस तरफ से इन्होंने दामन बचा लिया है, या ये कविताएं लिख रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रही हैं पब्लिक में या पढ़ने को नहीं मिल रही हैं? और कहानियों के लिए भी, साहित्य के लिए भी यही है, मतलब एक मेरा सवाल के। लिख नहीं पा कविताएं, कुछ कुछ हो गया है ऐसा, स्क्रिप्ट्स में ज्यादा घुस गया हूँ और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कुछ दिनों से, महीनों से स्विच ऑफ हो गया है कविता वाला, तो वो ऑन जैसे ही होगा तो मैं तो फेसबुक वगैरह पे डाल देता हूँ जैसे ही लिखता हूँ, तो तो कुछ कविताएं। कवि कुछ कोई कविता सुनाएंगे क्या हमें? हिमांशु, हिमांशु एक सेकंड, मैं बीच में रोकूंगा। हाँ मुझे ये गौरव का जो जवाब है ना, ये थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब लग रहा है, मतलब सच में कह रहा हूं, आपको लग रहा है, मैं पूछे क्यों लग रहा है। हाँ, कि जैसे इन्होंने कह दिया कि कुछ ऐसा हो गया है, स्क्रिप्ट में ज्यादा खो गया हूं, पर ये तो सिर्फ एक ऊपर की लेयर लग रही है। अरे क्या लड़का जाने, कामयाब है, अब उसे काम धड़ाधड़ आ रहा है तो काम से फुर्सत नहीं मिल रही है। कविता तो सुकून का मामला है, सुकून ही नहीं है तो फिर कहाँ से कविता आएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कविता सुकून का मामला है, कविता जुनून का मामला है। वाह क्या बात है। नहीं, आप लोग विद्वान लोग हैं, देखिए हम तो उठा के जीभ मुचेटी कर देते हैं, आप लोग बता सकते हैं, हमारा काम नहीं, सवाल गौरव करना। बताएंगे कि क्या मामला है क्या? मुझे जो कविता लिखने के लिए मुझे बहुत एकांत जनरली चाहिए होता है, या फिर अपने साथ ज्यादा वक्त चाहिए होता है। ये इस लॉकडाउन से पहले तक बहुत हेक्टिक था, तो पिछले कई महीने बहुत ऐसे बीते दुनिया के बीच में, लोगों के बीच में, शूटिंग पे काम करते हुए, तो उस बीच में जो भी ख्याल आ रहे थे वो उस स्क्रिप्ट की बेहतरी के लिए आते रहते थे कि ये कर दो, ये हाँ डायलॉग ये कर दो, वो सीन ऐसे बदल दो। तो कविता किसी कविता का ईगो होता है थोड़ा, मुझे लगता है, तो ऐसे घुसती नहीं है नॉर्मली, उसको अपना स्पेस चाहिए होता है, तो आप उसको खाली जगह देंगे तब वो आके बैठेगी, आप उसको वक्त देंगे क्या बात तब वो आके बैठेगी, ऐसा मेरा अपना तजुर्बा है। तो शायद अब खाली वक्त आया तो फिर से लौटे। कौन सी फिल्म का शूट चल रहा था? फ्रीडम नाम की एक फिल्म है, दिवाकर बनर्जी ने डायरेक्ट की है और आपने सिर्फ लिखी है? मैंने और उन्होंने मिलके लिखी है, अच्छा, और तो पिछले कई महीने से उसका शूट चल रहा था, 3 दिन का शूट बचा था हमारा इस कौन बीच कौन में। है फ्रीडम में? हाँ फ्रीडम में एक्टर कौन 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 है? जी, फ्रीडम में है मनीषा कोइराला, नसीरुद्दीन शाह, हुमा कुरैशी, कल्की, शशांक अरोरा, नीरज कबीर, दिव्या दत्ता। गौरव, ये दिबाकर की फिल्म आपने को राइट की है, मैं कैसा होता है ये, दो क्रिएटिव लोग एक कहानी गढ़े, जैसे मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर एक उपन्यास लिखा था 1 इंच मुस्कान, तो उसमें क्या होता था कि एक चैप्टर राजेंद्र यादव लिखते थे, फिर एक चैप्टर मन्नू भंडारी लिखती थी, तो वो कहानी कहाँ छोड़ रहे हैं, किस किरदार को ज्यादा वजन दे रहे हैं, तो वो एक किस्म का प्रयोग था। दो लोगों का एक साथ लिखना कैसा होता है? काफी चुनौती भरा होता है
और एक लगातार अच्छी भी बात है, क्योंकि दो लोग अगर जिनकी सेंसिबिलिटीज सिमिलर तरह की हों लेकिन फिर भी काफी फर्क होते हैं दोनों लोगों में, तो कुछ चीजें तो मिल जाती हैं, बड़े आसानी से घुल मिल जाती हैं। कुछ चीजें जो दोनों अपनी अलग अलग लेके आते हैं उसमें फिर थोड़ी रस्साकशी होती है, थोड़ा दोनों लोग एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दोनों लोग एक, हाँ एक एक, उदाहरण देके समझाइए, उदाहरण देके आप दिवाकर का और अपना कोई उदाहरण कहीं, कोई एक ऐसी चीज। उदाहरण तो ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे फिल्म के आखिरी सीन को लेके हमने बिल्कुल 1 साल तक हम लोग आखिरी सीन पे बात करते रहे कि इसमें क्या होगा क्या होगा, हम बार बार लिखते थे, दोनों अलग अलग तरह से भी लिखते थे। और फिर जो हमने फाइनली आखिरी सीन लिखा वो शूट से 3-4 दिन पहले ही लिखा, करीब सा 1 साल के बाद, क्योंकि पूरी फिल्म समअप हो रही थी, उसमें 3 ट्रैक चल रहे हैं फिल्म में, तीनों को एक सीन में आना है, कई किरदार हैं कुछ है, तो हम लोगों ने तो क्या था, हम एक एक डायलॉग पे कई बार बहुत बहस करते थे कि ये डायलॉग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये, और ये उससे एक फायदा क्या होता है कि आप अपने अंदर भी गहरे जाते हैं कि आप किस वजह से ये बात कहना चाह रहे हैं, तो बातों के बीच में से करते करते फाइनली निकलता था कि असल वजह क्या है कि ये आदमी ये बात कहना चाह रहा है और ये आदमी ये बात नहीं कहना चाह रहा है। और मुझे लगता है अगर दोनों, दो या तीन जब भी कोलैबोरेटर हों उसमें बातें बहुत होती हैं कमरे के अंदर, और अगर हेल्दी ढंग से वो चलता रहे तो काफी डीप जा सकते हैं आप। अपनी अपने हर राइटर का एक कंफर्ट भी होता है कि उसे इस अंदाज में कहानी कहना अच्छा लगता है, उसे इस तरह की डायलॉग राइटिंग अच्छी लगती है, उसके बाहर भी जाते हैं हम लोग जब कोलैबोरेट करते हैं, तो वो एक फायदा होता है। और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जब मुझे लगता है कभी कभी जैसे शादी रिश्ते में होता है ना कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, वैसा ही कोलैबोरेटिव राइटिंग में है अरे गुरु कुछ। गुरु, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। अरे भैया वो गोभी की सब्जी देख लेना, नहीं तो जल जाएगी। ओके बंद कर दी, ठीक है। उस समय थोड़ा कसूरी में थी, सॉरी यार, वो बहुत जरूरी था, हम सब्जी चढ़ा के आए थे, हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा। हाँ सॉरी, कम्युनिकेशन नहीं, जरूरी है। इसी तरह का कम्युनिकेशन जरूरी है जैसा आपका सॉरी सॉरी सॉरी। चल। हाँ नहीं, और नहीं, ये जैसे गौरव आप बता रहे थे, हिमांशु आप दास्तान गोई करते हैं, आप अंकित के साथ करते थे, तो दो लोगों हाँ का वो कोलैबोरेशन कैसे होता था? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वही कहने जा रहे थे कि हमने और अंकित ने कुछ दास्तानें लिखी हैं साथ में। मेरे लिए तो कौन सी, जैसे उदाहरण देके बताया करो यार तुम तो। मजाज की दास्तान लिख रहे थे हम, तो आप मजाज तो की स्कूल दास्तान, के मास्टर जी की तरह बात कर रहे हैं कि उदाहरण नहीं जरूरी है मैं जवाब स्कूल की में। दास्तान नहीं, मैं नहीं, सबसे ज्यादा मूड मूड आदमी हूँ, तो मुझे हाँ थ्योरी हम समझ में बिल्कुल नहीं आती, आप बिल्कुल कुछ उदाहरण जवाब से दो। बात करेंगे, सही बिल्कुल है। उदाहरण से बात अच्छा करेंगे। हिमांशु, हाँ और अगर तुम अगर अपना कैमरा का वो ब्लर वाला ऑप्शन कर सको, तो तुम्हारा जो मुखड़ा चांद का टुकड़ा है वो ज्यादा स्पष्ट आएगा। कैमरे पे कहाँ से जाओ, होता है, कहाँ से? हाँ कैमरे पे जाओ, उसमें ब्लर का ऑप्शन आएगा। कैमरे पे जाओ, अपना आइकन ले जाओगे ना तुम, अच्छा, बस आइकन हाँ ले ले, जाओ, दबाना नहीं है, तो ब्लर माई बैकग्राउंड लिख के आ रहा होगा ऊपर, बस हाँ आ गया आ गया। हाँ ठीक है ठीक है उसको हौले से छू दो। ठीक है, छू दिया, ठीक अरे है, असर तो दिखने दो पहले, कैसे छू दिया इनका चेहरा भी ब्लर हो गया मुझे लग रहा है। हिमांशु। तुम थोड़ा सा एक तो कैमरे का, इसका लैपटॉप का फ्लैप मोड़ो, देखो मेरा नहीं और पता है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम बैकग्राउंड के बहुत करीब बैठे हैं, तो उसने हमको भी नहीं नहीं, ये थोड़ा ये ब्लर वाला फिक्स करना होगा तुमको। कुछ फर्क पड़ा, हाँ तुम्हारी दाढ़ी ब्लर हो गई है। झुका लो कैमरे का ये अपना रुको हम ढक्कन जरा ना। ये इस मेज को ही पीछे कर देते हैं जिस पे हम बैठे हैं, अमेज़ ही करोगे, ये दीवार तो ना मतलब ही करना बाहुबली। अबे लैपटॉप ना गिर जाए। आप ठीक है? नहीं अब तो तुम और ब्लर लग रहे हो बे, तुम करे क्या हो? नहीं ब्लर माई बैकग्राउंड वाला ही किया है, हाँ नहीं, अब फिर तो से तुम वैसे ब्लर माई बैकग्राउंड चक्कर में तुम ब्लर हो गए हो गुरु। तुम एक काम करो प्रभु, उसको दोबारा वही पुनर्मूष को भाव कर दो। पुराना सही कर दिया, मैं वैसे ही कर दिया जैसा नहीं हुआ ही नहीं है। था। 1 मिनट,
या तो तुम्हारे लैपटॉप का लेंस चिकटा गया है। नहीं नहीं नया लैपटॉप भाई, नया है। नहीं तो नया लैपटॉप का कैमरा का वो जो वो तुक्का बना हुआ है वो अब देखो भाई, अब तो कर दो। नहीं नहीं, मंत्र भूख के मारने से फोटो थोड़ी ठीक हो जाएगी। कोरोना भूख सस्ती हो रहा। तुम बहुत चिरपोटर हो। आप देखिए, इतने में इतना ही मिलेगा। नहीं नहीं, लेकिन ये तुमने सच में बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, तुम उसको अंतर करो दोबारा। ये खराब ही होता जा रहा है। और ये जो पता नहीं तुम लोगों के टाइम पे होता नहीं, हम लोगों के टाइम पे ना बहुत ही सस्ते कैमरे कुछ रखे होते थे सड़क के किनारे, जो फटाक से खींच के फोटो देते थे। ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ। बहुत ही साइक्लो स्टाइल के कैमरे होते थे, तुरंता फोटो बोलते थे, लेकिन वो फोटो बड़ी खराब आती थी। अब कुछ बेहतर हुआ, कपड़ा डाल के रखते थे उस पर। अब कुछ बेहतर हुआ है? हाँ, तो अब वैसी ही फोटो है जैसा कपड़ा डाल के रखते थे, कुछ बेहतर। और ये तुम तन के काय बैठ रहे हो? तन के बैठने से थोड़ी फोटो ठीक हो जाएगी। ठीक है तो अरे ठीक नहीं है तो फोटो धुंधली आ रही है। देखो गौरव एकदम लग रहा है शादी.com का लड़का। गौरव को तो हमें दिख ही नहीं रहे, हमें सिर्फ आप दिख रहे हैं। ले अब तुम देख ही नहीं रहे हो तो। जल मत, रीस कर, रीस कर। अच्छा ठीक है, हाँ बताओ। तो हम ये कह रहे थे कि हम आपको उदाहरण सहित बताते हैं क्या होता है जी। हम और अंकित मजाज वाली दास्तान पर काम कर रहे थे, हमने मिलकर लिखी, बहुत मशहूर हुई। एक तो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसकी सलाहियत पर यानी योग्यता पर आपको पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि ये भाई ये कमजोर आदमी नहीं है, इसको काम आता है। दूसरा, उसकी नियत पर भरोसा होना चाहिए आपको। जब आप इस तरह से, हमें ऐसा लगता है, हो सकता है गौरव को ना लगता हो। नहीं नहीं, क्यों लगता है, बिल्कुल। अब देखिए उसका उसका फर्क कहाँ पड़ता है। मेरा मजाज का एक बहुत फेवरेट शेयर है, तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूं मैं। ये शेर मजाज की उस दास्तान में नहीं शामिल है, जबकि मेरा बहुत मन था कि ये शामिल हो, ये नज्म शामिल हो नजर दिल। लेकिन चूंकि अंकित का ये कहना था कि कहानी में रवानी के साथ जहां पर जो नज्म आ रही होगी वो आएगी, तो उसकी जगह नहीं बनी। तो हमको न चाहते हुए, अपने दिल पे तमाम पत्थर रखते हुए, इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि वो हम उस कहानी के लिए काम कर रहे थे ना। तो हमें अपना निजी जो मोह है उसको छोड़ना पड़ा और अंकित की इस बात को मानना पड़ा, क्योंकि उस बात में दम था। तो ये एक बात लगी ऐसी। और एक दूसरा उदाहरण है कि खुसरो की दास्तान अंकित की अकेले की दास्तान थी, वो अंकित ने खुद लिखी थी, लेकिन चूंकि अंकित हमको सुनाते थे दास्तान जब वो लिख रहे होते थे, तो उन्होंने एक शेर गालिब के एक शेर से शुरू किया कि गालिब तेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, पीता हूं धो के खुसरवे शीरी सुखन के पांव। अंकित का ये मानना था कि ये शेर में जो खुसरो है कहा है, ये उस खुसरो को ट्रिब्यूट है, अमीर खुसरो को। तो अंकित ने शुरुआत की थी अपनी दास्तान की कि गालिब इतना बड़ा उर्दू का शायर खुसरो को याद कर रहा है। जब हमने ये दास्तान सुनी, जब अंकित ने सुनाई, उस समय तक पब्लिक नहीं हुई थी, तो हमने अंकित से कहा कि ये गालिब ने बहादुर शाह जफर के लिए कहा है, क्योंकि वो उनके दरबारी शायर थे और जफर की तारीफ में कहा है, क्योंकि खुसरो एक तरह से बादशाह के लिए निकलता है। तो अंकित ने कहा नहीं। तो अंकित ने इसको फ्रांसिस प्रिचेट को, जो कि बहुत बड़ी, मेरे ख्याल गालिब की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है इस समय की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी एक जमाने में, उनको मेल किया, उनसे पूछा कि ये क्या है, यहाँ यहाँ गालिब खुसरो को याद कर रहे हैं या जफर को याद कर रहे हैं। तो प्रिचेट ने कहा तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस पर तुम और अंकित पहुंच गए हो, अंकित और हिमांशु तुम लोग पहुंच गए हो, क्योंकि ये बहस उर्दू में आज की नहीं है, 150 साल हो गए गालिब के जमाने से। बड़े बड़े जो मुहक्किक हैं, जो रिसर्चर हैं, वो इसे एक बात पर बहस कर रहे हैं कि इस शेर में खुसरो आया किसके लिए। तो फिर प्रिचेट ने पूरा एक डॉक्यूमेंट भेजा अंकित को कि ये इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कि जफर है, इन्होंने कहा खुसरो, और उसके और भी अर्थ निकले, ईरान में कोई बादशाह था उसके लिए आ गया और था। तो वो काम करते हुए मैं लगा कि यार दो लोग जब साथ में काम करते हैं तो कितनी तह खुलती है, आपको खुद उस काम के कितने अलग एंगल पता चलते हैं जो शायद आपको अकेले काम करते हुए ना पता चले। तो वो सारी चीजें उस तरह से होती। और जैसे नियत की इन्होंने बात की ना, नियत का एक होना बहुत जरूरी है, और नियत पे भरोसा होना, तभी आप कई बार अपनी बात पे अड़े भी रहते हैं लेकिन आप दूसरे की बात को लगातार सुनते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसकी भी नीयत इस काम को बेहतर बनाने की है, इसकी कोई ईगो नहीं है कि मेरी बात सही है। मेरे एक साथी हैं विनय सुल्तान। विनय सुल्तान, मतलब मैं बहुत काबिल लोगों के साथ काम करता हूँ जो मेरी टीम में है, रजत, प्रतीक्षा, अमित, स्वाति, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट।
लेकिन विनय सुल्तान इकलौता ऐसा आदमी है जो मैं पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूँ वो उस मीटर को पकड़ पाया। तो मतलब उसे मेरे किस्से पढ़ना पसंद है, मुझे उसके लिखे और रिसर्च के किस्से पढ़ना पसंद है। तो जो हम लोग साथ में किस्से लिखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा वो चूहल का भाव भी होता है कि मैं एकदम से वो कहेगा गुरु नेहरू का किस्सा लिखा है, उसको वहाँ से खोलेंगे कि उनकी पटेल से खतो किताबत में बहस हो रही है, तो हम कहेंगे अबे पटेल की खतो किताबत से पहले वो पुरुषोत्तम दास टंडन वाली चिट्ठी उठा लेना। तो वो कहेगा अरे लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन की चिट्ठी तो ठीक है, लेकिन जो रफी अहमद किदवई ने तार भेजा था उसका क्या करेंगे। तो हम कहेंगे रफी अहमद किदवई का तार भी ले लोगे, लेकिन जो मसनद पर बैठे रहे गोविंद वल्लभ पंत और बात के आगे निकल गए वो कहाँ जाएगा। तो वो ऐसे बात से बात जुड़ती है कि एक दूसरे को चैलेंज भी दे रहे हैं कि अच्छा ये पढ़ा है, अच्छा ये पढ़ा है, लेकिन उसमें कुल मिला के ये है कि मामला समृद्ध हो रहा है, नए नए रेफरेंस आ रहे हैं, तो बड़ा मजा आता है उस युगलबंदी में। बिल्कुल, इसलिए एक समानता और एक थोड़ी सी असमानता दोनों में बहुत जरूरी है, तभी वो फायदा है उसका। और नियत का भरोसा लेकिन बड़ी बहुत बड़ी बात है, जरूरी चीज। वो कहते हैं ना डायरेक्टर पे भी एक्टर को इसी तरह का भरोसा होना चाहिए। कई बार एक्टर को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, पर डायरेक्टर उससे कुछ और करवाना चाह रहा है। तो एक्टर को अगर उसकी नियत पे भरोसा पूरा नहीं होगा तो उसकी आंखों में उसकी परफॉर्मेंस पे दिख जाएगा कि वो अब जो दोबारा कर रहा है डायरेक्टर के कहने पे वो आधे मन से कर रहा है। अच्छा इनके गौरव के साथ एक मुश्किल ये होती होगी, जैसे अंकित तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे, तो उनके साथ तो बहुत मसले यूं भी हल हो जाते थे। इनको तो हर बार एक नए आदमी के साथ काम करना है जिसका ये उस तरह से बैकग्राउंड नहीं जानते, पर्सनल बैकग्राउंड और काम करने में टेम्परामेंट और तमाम चीजें, तो इनको तो उससे बराबर जूझना पड़ता होगा कि यार कैसे। हाँ, जब भी आप किसी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो शुरू का कुछ वक्त उससे अडेप्ट करने में भी लगता है कि आप समझते हैं उसको, इंसान को, उसकी पॉलिटिकल व्यूज को, उसकी क्रिएटिव प्रोसेस को, पर आखिर तक होते होते आपको काफी कुछ समझ आ जाता है। मैं यहाँ पर जो भी भविष्य में डायरेक्टर गौरव सोलंकी के साथ को राइटिंग करें उनको एक सलाह दे रहा हूँ, बहुत काम आएगी, शुक्रिया का SMS वो हमें बाद में भेजें। जब भी गौरव आपकी बात से असहमत होगा लेकिन वो उसे प्रकट नहीं करेगा, जिसकी कई वजहें हो सकती, पहली ये कि आप उस असहमति को ले नहीं पाएंगे या आप उस असहमति की परतों को नहीं समझ पाएंगे, तो हिमांशु तुम गौर करना गौरव की मतलब इफ यू लुक एट गौरव फेस, तो जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मतलब हम लोगों ने बचपन में ऐसे सुना था कि कोई कृष्ण जी का मंदिर है तो उस मंदिर में पर्दा डाल के रखा जाता है और वो पर्दा चलता रहता है, मतलब आता है भगवान जी दिखते हैं फिर जाता है, तो गांव का ये किस्सा है। तो हमने पूछा ऐसा क्यों होता है, बोले वो एक बार एक आदमी आया था तो वो भगवान जी की मूर्ति को देखता रहा और उसने भगवान जी की मूर्ति को सम्मोहित कर लिया और भगवान जी उसके साथ चले गए। तो कोई सम्मोहित ना कर पाए, सम्मोहित करने के लिए एक तक देखना जरूरी, इसलिए भगवान जी के ऊपर पर्दा आता जाता रहता है। ये हमने गांव में किस्सा सुना था, ये बिल्कुल वैसे ही किस्सा है जैसे ये किस्सा कि इंदिरा गांधी के पास 2 बुलेट प्रूफ जैकेट थी और दोनों धुलने के लिए दे दी गई थी ये कतल रोज, या इस तरह के जो भी हम सुनते हैं धुलने के लिए। हाँ। तो इसकी इसकी जो आंखें हैं ना वो अतिरिक्त बड़ी हो जाती हैं, अतिरिक्त बड़ी और अतिरिक्त बनेली हो जाती हैं। वो वाला शोर होता है ना, जैसे मैंने वो बनेलापन और वो गुमना महसूस किया इकलौती बार जब मैं पहली दफा रिपोर्टिंग के लिए दंतेवाड़ा गया। तो अब आप दंतेवाड़ा के जंगलों में चल रहे हो, आपको नहीं पता है कि जो आहट है वो किस चीज की आहट है, उसकी व्याख्या कैसे की जाए। तो वो जो जंगल है वो आपके भीतर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पसरने लगता है, और जंगल के साथ दिए गए जितने भी खौफ हैं वो। और दूसरा गौरव क्या करता है, ये अपनी जो दाढ़ी के नीचे के बाल हैं उनको घुंघराला बनाने लगता है, उनके कर्ल करने लगता है। तो ये एक मसला है, पर ये कहा जाता है तंज की शक्ल में कई बार गंभीरता के साथ कि मुंबई में लिखने वाला हर राइटर दरअसल अपनी बारी का इंतजार करता डायरेक्टर है। आगे नहीं, आगे आपको बोलना है। हर राइटर तो नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे समर्थ काबिल लेखकों को जानता हूँ जो कभी डायरेक्ट नहीं करना चाहते,
पर या फिर मजबूरी में जब उन्हें लगेगा कि उनकी कहानी कोई नहीं सुना पा रहा है उस तरह से, तो वो शायद कभी कर लेंगे। पर मैं तो पहले से ही करना चाहता हूँ, मैं उसी जिस जिन जिन जिस कैटेगरी के लोगों की आप बात कर रहे हैं मैं उसी में शामिल हूँ, और कोशिश है जल्दी डायरेक्ट करने की। हिमांशु, तुम्हारा कभी मन नहीं करता है ऐसे बंबई जाएं, पिक्चरें गाने लिखें? नहीं, मेरा लिखने का मन करता है लेकिन बम्बई जाके नहीं लिखने का मन करता है। मतलब हम असल में केपी सक्सेना के बहुत करीब रहे हम एक ज़माने में। तो केपी ने हमें किस्सा बताया था कि वो लगान के लिए जब उन्हें बुलाया आमिर खान ने, तो एक होटल में ठहराया और उनसे पूछा कितना वक्त लेगा। उन्होंने एक वक्त बताया, तो वो वक्त जब ख़त्म होने वाला था तो केपी ने उनसे आमिर खान दोबारा पूछा कि भाई क्या हुआ। तो केपी ने उनसे कहा, बड़ी विनती की कि भैया मुझे अपने घर भेज दीजिए, यहाँ होटल में हमसे हो नहीं पा रहा है कुछ। क्योंकि होटल बड़ा अच्छा था वो, लेकिन अब केपी का माहौल ही ना बने लिखने का। केपी लौट करके आए अपने घर, वहीं बैठ के उन्होंने पूरी कुछ ही दिनों में वो स्क्रिप्ट पूरी कर दी। और उसके बाद केपी ने जो 3 फिल्में लिखी बाकी लगान के बाद भी, वो सब की सब अपने घर में बैठ के लिखी। तो हमें ये लगता है कि यार अगर हम इनकी उम्र में पहुंच गए होते, गौरव की उम्र में बम्बई, तो अभी तक मतलब 7 8 9 10 साल में स्ट्रगल करके कुछ थोड़ा बहुत अगर कहीं बनता तो बन जाता। अब अगर हम इस उम्र में जाएंगे स्ट्रगल करने, तो अब वो भाई अब वो तथा नहीं रह गई हमारे अंदर कि जुनून अब हम ये इंटेंसिटी सोचते हैं कि ये डायरेक्टर बनेंगे तो ये अपनी दोस्ती का हक अदा करेंगे। कितना पाजी आदमी है सारे। और मेरे अंदर यकीन मानिए कोई वो नहीं है कि मैं जब राइटर बनूंगा तो मुझे डायरेक्टर बन ही जा रहा है। मैं राइटर बन के खुश हो जाऊंगा, डायरेक्टर नहीं बनना भैया, नहीं बनना। तो ये वो वाला मामला है। तो लखनऊ नहीं छूटता। मतलब इसकी इसकी इसका इसका एक इसका एक गंभीर जवाब ये है, जिस घर में हम रहते थे उसमें 10 बच्चे थे, है ना। सब आपस में ज्वाइंट फैमिली थी, सब मिलके रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, तमाम चीज़ों में ज्वाइंट, जैसी एक आत्मीय संयुक्त परिवार जैसा होता है वैसे थे उस घर में। अब हम सिर्फ अकेले बचे और हमारे अंबुज जो छोटे भाई हमारे जो अभी हमारे साथ हैं वो हैं। हमें ये लगा कि यार ये सब अगर छोड़ ही देंगे लखनऊ तो यहाँ कौन रहेगा। तो फिर ये चीज बहुत पहले से हमने डिसाइड कर ली थी कि हमें लखनऊ में ही रहना है, ताकि आप जैसा या गौरव जैसा कोई इंसान आए लखनऊ तो कम से कम एक आदमी तो हो जिसे लखनऊ अच्छे से घुमा सके, दिखा सके। तो हम तो इस खिदमत के लिए यहाँ रुके हुए हैं। ये चौक पे घुमाते हैं जब कोई जाता है। हाँ, और गौरव को तो हमने तब लखनऊ घुमाया है जब मतलब हिमांशु वाजपेयी भी ये नहीं थे और गौरव सोलंकी भी ये नहीं थे। क्या नहीं थे? अरे भाई सब बहुत मोह पहले माया नहीं छूटे। का मतलब है कि कई बहुत सालों पहले। बचपने की अरे बातें अरे हैं। हिमांशु के भरोसे हमको बड़ा दम रहता है। हमारी कोई भी महिला मित्र कहती है हम लखनऊ जा रहे हैं, हम कहते हैं बिल्कुल जाओ। और वहां पे मिलता हमसे कोई नहीं है, लेकिन मिलता तो ये कोई। कह रहे हैं मिलता कोई नहीं। अरे हमने कहा कि हम कह देते हैं, अब वो जाए ना जाए हमारी और तुम्हारी भला से। पर तुमने गौरव को अपना तुर्की वाला किस्सा नहीं सुनाया है। वो यार ऐसे मत करिए। दावरे हश्र मेरा नाम आए आमाल न देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। थोड़ा समझा भी दीजिए, बहुत लोगों को हमला समझ नहीं आएगा। ये कि दावरे हश्र यानी जब मेरा जब हिसाब किताब हो रहा है कयामत के दिन, तो मेरा नामा या अमाल यानी मेरा कर्म पत्र ना दिखा जाए, क्योंकि इस कर्म पत्र में कुछ खवातीन के भी नाम आएंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि उनका नाम जो है वो रुस्वा हो, वो पब्लिक में आए। ये तुम पर्दा नशीनों की आड़ में जो अपनी करतूतों पे पर्दा डालते हो ना गुरु। नहीं, ऐसा कोई नहीं है क्या मेरा तो। इतनी सही कहानी है पर्दा, यशपाल की कहानी है ना हाँ, पर्दा, यशपाल की कहानी, यशपाल की लखनऊ। हाँ, पर्दा यशपाल की कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है वो। बहुत एक ही। मैं कुछ गौरव से पूछने वाला था और फिर बिल्कुल ध्यान से उतर गया। ये राइटर डायरेक्टर वाला जो पूरा प्रोसेस है, क्या फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की भी चिंता है कि अगर मंदी आएगी और जीडीपी कमजोर होगी, ये सब होगा, तो इसका असर जो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं वो भी अटक सकते हैं, इस तरह की आशंका है? अभी तक तो नहीं सुना मैंने किसी से ऐसी आशंका, और क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआती स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि एंटरटेनमेंट की जरूरत तो ऐसे समय में और भी बढ़ जाती है। आप देखिए कि सब लोग और ज्यादा
नेटफ्लिक्स अमेजोन ये सब देख रहे हैं, तो पता नहीं उसका कैसा असर पड़ेगा अगर इकोनॉमी पे, जो भी बुरा असर पड़ेगा इस पूरे एपिसोड का। पहले से भी हमारी इकोनॉमी की स्थिति चिंताजनक थी, तो अब तक तो फिल्म इंडस्ट्री पे कोई असर आया नहीं था, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा, वो तो भविष्य ही जाने, पर लग नहीं रहा अभी ऐसा कुछ कि कुछ बहुत। और हम लोग तेलुगु इंडस्ट्री के लगातार अपडेट देख रहे हैं, जहाँ पे वहाँ के सुपरस्टार्स जो हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं, और मुंबई इंडस्ट्री के सुपरस्टार बता रहे हैं कि मक्खी से क्या होगा और अमावस के दिन वायरस का क्या होगा। बहुत बुरा था मक्खी और अनसाइंटिफिक, और दोनों ही अमावस के दिन वायरस बताया जा रहा है। मतलब सचिन तेंदुलकर ने आज सिर्फ 50 लाख उन्होंने दिए, जबकि मतलब वो तो काफी और दे सकते हैं, और 25 लाख उन्होंने कीजिए, आपके इतने पसंदीदा हैं। मेरे तो बहुत पसंदीदा है, मतलब मेरा दिल ही टूट गया, मेरा तो मतलब इतना पसंदीदा आदमी है। हमको इतने वैसे गुस्से वाले मेल आ रहे हैं, कल हमने एक खबर और वीडियो किया कि वो महेंद्र सिंह धोनी जो हमारी आंखों के सितारे हैं, दो दो वर्ल्ड कप लेके आए देश में, जो कोई कहता है कि 20-20 करोड़ तक का रिटर्न भरते हैं, है ना, तो मतलब धोनी कहाँ है, विराट कोहली कहाँ है, ये सारे सितारे, मतलब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर फुटबॉलर्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं यूरोप में, अफरीदी ने कितना किया, अफरीदी ने वहाँ पाकिस्तान में। इनफैक्ट यही मैं, जैसे इमरान खान और अफरीदी दोनों ने, इमरान ने अपनी मदर के नाम पे और अफरीदी ने मदर के नाम पे हॉस्पिटल बनवाया, पर इंडिया में हमें पहले हम सुनते थे कि लोग धर्मार्थ कार्य करते थे तो प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे और अस्पताल और स्कूल बनवाते थे, और मुझे नहीं दिख रहा कि हमारे आसपास किसी व्यक्ति ने इसको बिल्कुल मिशन की तरह लिया हो। इमरान खान को तो जुनून था एक वक्त पे कि मतलब वो हर चीज अपने वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ही करता था, क्योंकि मदर कैंसर से चल बसी थी। कैंसर के लिए काफी किया उन्होंने। हाँ, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और देखते हैं कब शुरू होता है ये। मुझे तो लगता है कि जो हमारे यहाँ धार्मिक संस्थाओं को इतना पैसा दिया जाता है, वो पैसा जो असल में इसी ऐसे वक्त के लिए ही तो होता है, तो हाँ। उस पैसे का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए, अदरवाइज उस पैसे का क्या होगा, वो जो बिल्कुल भक्त से भगवान है। हाँ, और अवधारणा है वो यही तो है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे खुश रहे, तो अभी तो उन बच्चों का ही दिया हुआ धन है, उसको खर्च किया जाना चाहिए। और आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास तो कई इस तरह के मेल्स भी आए जिसमें कुछ दर्शकों ने ये कहा कि सरकार को एक ऑर्डिनेंस बना के सभी धार्मिक स्थलों की कि जितनी भी ये पूंजी है इस तरह की उसको ले लेना चाहिए और उनको अस्पतालों में मतलब लगा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सरकार के किसी भी काम में शामिल होते ही लोगों के मन में शुभहे भी आ जाते हैं, पता नहीं, आई विश की इट बिकम्स अ वेकअप कॉल। मैं इस कॉल के पहले अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, इज आईटी प्रोफेशनल, मैं यही बात कह रहा था कि काश अब ऐसा हो जाए कि अब के बाद सब राज्य सरकारों की, सब लोकल बॉडीज की, सब केंद्र सरकारों की, सब केंद्र सरकार की यही प्राथमिकता हो जाए कि स्वास्थ्य, मतलब एकदम क्यूबा जैसा स्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं हेल्थ के मामले में, नॉर्वे जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं या सिंगापुर जैसा हम एजुकेशन के मामले में, और वो एक दिन या एक सरकार से नहीं होगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो खेल किस बात का है। और यही सबसे बड़ा सबक होगा इस पूरी त्रासदी का, इस मुश्किल का ना, अगर हम भविष्य में सतर्क हो जाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आखिरी ऐसी बीमारी है, कभी भी आ सकती है ऐसी बीमारियां, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है अंटार्कटिका में और हर जगह, तो सदियों पुराने जो वायरस डॉर्मेंट पड़े थे वो वापस आ सकते हैं, आ भी रहे हैं। हाँ, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ी जो लर्निंग है, वो होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। कोई भी, हमें तो ऐसा लगता है कोई भी जो रियल इशू, जो हमारे लिए जो खतरा है, जो मुद्दे, उन पर तो ध्यान देते नहीं ना, मतलब सिर्फ एक एनवायरमेंट का मुद्दा नहीं है, कम्युनलिज्म का मुद्दा है, कास्ट का मुद्दा है, इस तरह के जितने मुद्दे हैं,
दिक्कत है, हम वोट भी ज्यादातर इमेजिनरी मुद्दों पे देते हैं, जो हमें रियल अफेक्ट कर रही है, जो हमारे बच्चों को हमारे परिवार को अफेक्ट कर रही है, उन चीजों पे हम बात ही नहीं करते। वो हमें बोरिंग लगती हैं जब अगर कोई चुनाव में बात करे उनकी। तो गौरव, मैं चूंकि आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत सारे लोग इस समय बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, तो आप कौन कौन सी वेब सीरीज हैं जो उनको रिकमेंड करना चाहेंगे, नई पुरानी? मैं रेकमेंड करना चाहूंगा द अफेयर नेटफ्लिक्स, द अफेयर, हाँ, और मैडमैन। मैडमैन, हाँ मैडमैन तो बहुत कमाल की है। हाँ, हाउस ऑफ कार्ड्स किसी ने ना देखी हो तो वो भी। हाउस ऑफ कार्ड्स, जिनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है उनके लिए तो खास तौर पे। एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी, द एज ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी, हाँ, ब्राजील में कि पॉलिटिकल पिछले कुछ सालों के उस पे है, सिनेरियो पे, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, और एक और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, यूएस इलेक्शंस में चार आम औरतों ने, डेमोक्रेट्स ने इलेक्शन लड़ा था, उनके इलेक्शन लड़ने की कहानी है, नॉक डाउन द हाउस, या नॉक द हाउस डाउन, हाँ। और इसके अलावा तो भी मैंने एक जगह और बोला था, असगर फरहदी मुझे बहुत पसंद है, उनकी फिल्में मिलें जहां कहीं भी। असगर फरहदी ईरानी फिल्म मेकर हैं असगर फरहदी, जफर पनाही, इनकी फिल्में देखें, और नूरी सीलान टर्किश फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्में अगर कहीं मिलें, विंटर स्लीप, वंस अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया, हाँ इसका तुम जिक्र भी कर रहे थे मुझसे। थ्री मंकी। अच्छा, अब मुझे ध्यान आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे वो अकीदे की और सबकी बात हो रही थी ना, ये तुम दोनों से ज्यादा मेरे दर्शकों के लिए है। हिमांशु और गौरव, ये दो वो लोग हैं जिनको मैं अपना, खासतौर पर गौरव, चूंकि गौरव से मैं कहानियों के प्लॉट को लेकर बहुत बात करता रहता हूँ, कि मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, मतलब मैं फ्लाइट में बैठा हूँ और फ्लाइट मोड है, कहीं भी हूँ, कोई भी आइडिया आता है जो बहुत कच्चा हो सकता है, मतलब मुझे लगता है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ये कहीं आइडिया स्लिप ना हो जाए, तो मैं तुरंत उसको टाइप करके गौरव को भेज देता हूँ। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसके साथ मुझे अपने आइडियाज शेयर करने में, कहानी के किसी भी चीज के, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचना पड़ता है हिमांशु, और हम लोग घंटों बात करते रहते हैं, ये ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो। अचानक कभी सौरभ का मैसेज आएगा, वो दो लाइन में कुछ लिखा होगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई आइडिया है। नहीं नहीं, फिर बाद में डिस्कस भी करते हैं वो। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। ऐसा तो मैंने सोचा ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ, वो पहले कूट की तरह आता है आइडिया, ऐसा कुछ था, मतलब एक वाक्य या दो वाक्य होंगे, हाँ, पहले लिख के भेज दिया जाता है ताकि निकल ना जाए दिमाग से। हाँ, मतलब एक पता होना कि किस खूंटी पर कमीज टंगी है, तो हड़बड़ाहट में घर से निकलते वक्त कम से कम हड़बड़ाहट, कमीज ढूंढने की हड़बड़ाहट नहीं बनेगी। वाह वाह, आप कवि हैं ऐसा। अबे ये इल्जाम हमको किसी ने नहीं। तो कविता तो सुना दो गौरव सोलंकी आखिरी में एक। हाँ, वो एक कविता जो हमने कही है अभी। एक तो तुम ये जो गांव तकिए की तरह बैठ जाते हो, हिमांशु जी को सतर बैठा करो। एक तो हिमांशु को कितना भी डांट वांट दो, ये आखिरी में वो वाली हंसी हंस देता है ना, मतलब वो जो बच्चा घुटवन चलता है और उसके गले की वो गंडा ताबीज लटकने लगती है ना, तो उससे जो वो माटीपन आता है, ये हंस देते हैं, इनको कुछ भी धरे दो तो सब वो या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो हिमांशु ने ये कविता हमें बोला था, बहुत पुरानी कविता है, 2008 की, जब हम कॉलेज में थे तब की कविता है, और इसका नाम है और उन लड़कियों से किया इश्क हमने। अच्छा, वाह जी। हमने इश्क किया बंद कमरों में फिजिक्स पढ़ते हुए, ऊंची छतों पर बैठकर तारे देखते हुए, रोटियां सेक रही माँ के सामने बैठकर चपर चपर खाते हुए। हमने नहीं रखी बटुए में तस्वीरें, किताबों में गुलाब,
अलमारी में चिट्ठियां। हमारे कस्बे में नहीं थे सिनेमा हॉल, पार्क और पब्लिक लाइब्रेरी, और हम तय करके नहीं मिले। हमने इश्क किया जिसमें सब कुछ अनिश्चित था, कहीं अचानक टकरा जाना सड़क पर और हफ्तों तक ना दिखना भी। और उन लड़कियों से किया इश्क हमने जिन्हें तमीज नहीं थी प्यार की, जिनके सुसंस्कृत घरों की चार दीवारी में नहीं सिखाई जाती थी प्यार की तहजीब। हमने उनसे किया इश्क जिन्हें हमेशा जल्दी रहती थी किताबें बदल कर लौट जाने की, मुस्कुराकर चेहरा छिपाने की, मंदिर के कोनों में अपने हिस्से का चुंबन लेकर वापस दौड़ जाने की। उनकी भाभियां उकसाती समझाती रहती थी उन्हें, मगर वे साथ लाती थी सदा गैस पर रखे दूध का, छोटे भाई के साथ का, या घर आई मौसी का ताजा बहाना जल्दी लौट जाने का। हमने डरपोक समझदार सुशील आज्ञाकारी लड़कियों से इश्क किया जो ट्रेन की आवाज सुनकर भी काट देती थी फोन, छूने पर कांप जाया करती थी, देखने वालों के आने पर सज कर बैठ जाती थी छुई मुइयां बनकर। कपड़ों के ना उघड़ने का ख्याल रखते हुए सारी रात सोने वाली, अकारण चिड़चिड़ी हो जाने वाली, अंगूठी कंगन बालियों और गुस्सैल पिताओं से बहुत प्यार करने वाली सच्चरित्र लड़कियों से किया हमने प्यार जो किसी सोमवार मंगलवार या शुक्रवार की सुबह अचानक विदा हो गई सजी हुई कारों में बैठकर। उसी रात उन्होंने फूंका बहुत समर्पण बेसब्री और उन्माद से अपना सहेज कर रखा हुआ कुमारापन। चुटकी भर लाल पाउडर और भरे हुए बटुए में अपनी तस्वीर लगवाने के लिए बिकी करवा चौथ वाली सादी लड़कियों की बजाय काश हमने की होती बुरी बदनाम बदचलन लड़कियों से मोहब्बत जिन्हें शऊर होता इश्क का। गुपचुप रसोई घरों में दुपट्टे का सलीका सिखाने से पहले जिनकी माओं ने सिखाया होता चुंबन के जवाब में चुंबन देना भी। ये सुना रहा था और मैं मतलब कई दफा ऐसा होता है ना कि आपके आपके सामने जो आवाज है वो आवाज पार्श्व में चली जाए, और ऐसा होता है ना कि कोई घर में कड़क दादी हैं जो सबको हुक्म दे रही हैं थोड़ी सी सुपारी लेके आओ, फूलमाला लेके आओ, थोड़ी सी अरहर लेके आओ, तो ये शब्द थे और धड़ाधड़ अतीत की इमेजेस लेके आ रहे थे। अरे शुक्रिया, ये मैंने पहली बार सुनी। अच्छा, बहुत पुरानी कविता है। यहाँ कविताओं के साथ ये नहीं कहा जाना चाहिए कि बहुत पुरानी है। मतलब मुझे लगता है कि शायद औरों लिखने वाले को काफी फर्क पड़ने लगता है क्योंकि वो अपनी यात्रा में उस अनुभव से दोहरा के उससे आगे निकल जाता है कहीं, तो उससे लगता है कि उसके लिए तो पुरानी है, शायद औरों के लिए पुरानी नहीं होती। अगर नहीं होती तो अच्छा है। वो मेरी नजर का ख्याल था भाई। ये जो हमने अभी कहा था आपसे कि ये तो तब की बात है जब गौरव भी, वो बेसिकली बात हम यही कहना चाहते थे कि ये उस जमाने के दोस्त हैं जब बातें मासूम हुआ करती थी, जब आंखों में ख्वाब नए आना शुरू हुए थे, जब दिल में हलचल नई उठना शुरू हुई थी, इस तरह की चीजें जो आप माहौल शायरी में देखते हैं। तो वो गौरव सोलंकी का एक किस्सा है। एक बार बंबई में हम बहुत खुश थे, बहुत खुश, मतलब इतने खुश कि खुशी संभल नहीं रही थी। तो हमें लगा अब ये अकेले तो हम ये खुशी का भार जो है, लोग गम का भार नहीं उठा पाते, हमसे खुशी का भार नहीं उठा था। तो हमने गौरव सोलंकी को फ़ोन किया सबसे पहले और हमने इनसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो। बोले यार कुछ लिख रहा हूँ ऐसा, ये तो हमेशा ही मसरूफ रहते हैं। हमने कहा भैया देखो ऐसा है, बहुत खुश हैं हम और वो खुशी हमसे संभाल नहीं रही है, तो हम खुशी बांटना चाहते हैं, तो क्या अभी आ सकते हो? गौरव ने पूछा हाँ। गौरव अभी? हमने कहा हाँ अभी। बोले अच्छा आते हैं। फिर एक हमारा एक छोटा सा समूह है बंबई में, तो दो तीन चार लोग हैं बहुत खास, सब जानते एक दूसरे को, और हमें ये बात अच्छी लगी। हम क्यों मुंबई नहीं जाते हैं? आपको पता, अगर मुंबई में रहते होते हम और हम गौरव सोलंकी को फोन करते, गौरव सोलंकी कभी नहीं आते, कहते सैटरडे संडे आएंगे, दो घंटे तो आने जाने में लगते हैं। लेकिन ये मेरा असर था या इनकी मोहब्बत थी या और दोस्तों की मोहब्बत थी, जितना वक्त ट्रैवलिंग में लगता है चार के चारों को उतना ही वक्त लगा और उसके बाद सब लोग सामने थे। तो ये जो इनकी अदा है ना, खुशी का मौका भी बता दीजिए हिमांशु।
नहीं, ऐसा कोई खास मौका नहीं था, मजाज की दास्तान थी कहीं बंबई में और हमें पता नहीं था, और गुलजार साहब उसमें आ गए थे और वो आगे बैठे हुए थे और पूरी दास्तान में वाह वाह उनकी आवाज गूंज रही थी, जबकि गुलजार तो बहुत ही मतलब दांत तो बहुत कंजूसी देते हैं वो, तो उनकी जब आवाज वो गूंज रही थी हॉल में वाह वाह, और जब दास्तान खत्म हुई तो वो आकर मेरे बारे में बोले हैं, तो वो एक ऐसा एहसास था कि मतलब हमें लगा है ये तो सरप्राइज था ना मेरे लिए। अच्छा, हम उस तरह के आदमी थे, गुलजार एज ए लिरिसिस्ट बहुत ज्यादा मतलब मेरी थोड़ी मिली जुली राय है उनके बारे में, तो जी, जरा खुल के बोलिए, ये कह के मत निकलिए, खुल के बोलिए। काफी बहस हुई है एक आगाध बार तो हमारी, हमें पसंद है गुलजार और हिमांशु को है नहीं अच्छा, ज्यादा। हिमांशु की क्या राय है, मैं भी जानना चाहता हूँ। हमको ये लगता है कि वो ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा माहौल बना दिया जाता है कई बार, हम जब और लोगों के सामने उनको रखकर देखते हैं तो वो उदाहरण हमें जैसे उदाहरण साहिर हैं, जैसे शैलेंद्र हैं, जैसे शकील बदायूनी हैं, जैसे साहिर हैं, जैसे कैफी हैं, जैसे मजरू हैं, जैसे आनंद बख्शी हैं, मतलब इनमें इन लोगों आप ये कह रहे हैं कि आनंद बख्शी एक फिल्मी गीतकार के तौर पर गुलजार से 20 है। 100% इसमें कोई शक ही नहीं है, मेरे मतलब मेरा अपना विचार ये है, आनंद बख्शी का कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, कोई मुकाबला नहीं है। जैसे उदाहरण जैसे बहुत सारे उदाहरण है, वो नाम फिल्म का जो गाना है चिट्ठी आई है वो आप देखिए, और उसके उसके 10 साल बाद वो आई है फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें देखिए वो गाना घर आजा परदेसी, सेम थॉट पे 10 साल के अंतर में। और ये तो खैर एक तरह की सब्जेक्टिव एनालिसिस हो नहीं जाएगी, नहीं नहीं लेकिन गौरव गौरव, इस पे मैं आपकी राय चाहता हूँ, ये ऐसे कह के नहीं निकल नहीं जाएंगे, हमको फिर एक लंबा मौका हो मिलना जाएगा। चाहिए, हमारे अंदर उस बदमाश टीवी एंकर की आत्मा आ गई जिसका काम है दो को भुलवाना। गौरव सोलंकी, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, मतलब इस बात से तो सहमत हूं मैं कि साहिर, मजरू, आनंद बख्शी, शैलेंद्र बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि गुलजार की भी अपनी जगह है। और जिस तरीके से वो फिल्मी गीतों में, खासकर जो उनका नया दौर है उसमें, उन्होंने कविता को जिंदा रखा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। जिस इससे तरीके से कोई उन्होंने इनकार नहीं है, सही बात समझ में आ सकने वाली कविता, कविता से समझौता किए बिना और उसकी लिरिकल क्वालिटी से समझौता किए बिना, पिछले 20-25 साल में आप देखो, सबसे ज्यादा विशाल भारद्वाज के साथ जो उनका काम है वो बहुत याद रखा जाने वाला काम है। मतलब मेरी पर्सनल हमको प्लेलिस्ट भी में वही याद हमेशा रखना। सारे गाने रहते हैं, तो मैं जो ओमकारा के गाने आप देखें। आप उनके मुखर समर्थक हैं, आप मुखर आलोचक हैं, मैं ये जानना हम चाह रहा हूँ। आलोचक नहीं है, बस ये कह रहे थे अरे कि नहीं, ये वो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई वो जितना माहौल उनको लेकर बनाया जाता है, हमें लगता है फिर वो दूसरे के हक की भी रोशनी वो खा जाते हैं, जो हमें लगता है कि यार गुलजार पर जो बात हो रही है उतनी बात, जैसे शकील पर उतनी बात नहीं करते हैं हम, गुलजार के पुराने गीत भी ले आएंगे लेकिन शकील के गीतों पर उतनी बात नहीं करेंगे हम, हिमांशु सही, राजेंद्र। हिमांशु कंटिन्यूटी का भी मामला है ना, कि शकील एक जमाने में थे लेकिन मतलब सातत्य की बात है कि आप देखिए कि सचिन जब पहली दफा खेलने उतरे है ना, तब तो 80 का दशक खत्म नहीं हुआ था, सचिन जब आखिरी दफा खेलने उतरे तो ये 2010 के बाद वाला जो दशक है, 2010 से 20 वाला दशक, जी ये उरूज पे था। तो अब उसका देखो रेफरेंस पॉइंट कितना बड़ा हो गया है कि वो उन्होंने इमरान खान को खेला, ठीक है, और जब वो रिटायर हो रहे थे तो जितने ये नए नए नवेले लफाड़े लौंडे हैं इनको खेला। आप समझिए कि जब स्टीफन फ्लेमिंग ने 20 साल की उम्र में डेब्यू किया है, ठीक है, 1994 में मार्च में ठीक है इंडिया ठीक के है ठीक दौरे पर, और है स्टीफन फ्लेमिंग जब 20 साल की उम्र में डेब्यू करने आए जिस मैच में, वो सचिन का 32वां मैच था, सचिन उसमें 2000 रन बना चुके थे। तो जी। गुलजार का कुछ वैसा भी मामला है ना कि मोरा गोरा रंग पहले से लेके, अच्छा नहीं और नहीं अब इसमें ये सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि गुलजार ने पहला गाना लिखा 63 में, बंदिनी हाँ में, मोरा गोरा अंग लैले। 63 जी से लेकर 80 तक तमाम बड़े लोग मौजूद थे, है ना, जी उसके साथ गुलजार काम कर रहे थे। गुलजार का जो जलवा, जो तबोताब शुरू हुई वो उस दौर में शुरू हुई जब ये सारे बड़े लोग एक तरीके से किनारे हो चुके थे, सिर्फ आनंद बख्शी बचे थे उन बड़े लोगों में जो गुलजार के साथ ले। उम्र था, गुलजार तब काफी युवा थे। हाँ, और वो लोग अनुभवी ज्यादा थे उस समय।
तो वो हमें लगता है कि गुलजार के टाइम पे, जब गुलजार का नाम बड़ा होना शुरू हुआ, तो सिर्फ दो अच्छे गीतकार थे, एक जावेद अख्तर थे और एक आनंद बख्शी थे, बाकी तो वो बड़े लोग तो सब उस दौर में गुलजार है। यारी दोस्ती सब एक तरफ धरी रह जाएगी, महाकवि समीर का अगर जिक्र नहीं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि सिर्फ दो लोग? समीर तो खैर उनके नहीं, ये गलत है, ये महाकवि समीर को तो तुम कान पे हाथ लगा के समीर बात की समीर तो उनके बात की पीढ़ी के हैं, तो अब आप समीर के साथ और कौन है वो मनोज मुंतशिर के साथ और इन लोगों के साथ जब गाने लिख रहा हूँ तो जाहिर बात है गुलजार सबसे बड़े होंगे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब पर गुलजार ने आनंद बख्शी के साथ और जैसा भी कह रहे हैं जावेद अख्तर के साथ और नई पीढ़ी में फिर इरशाद कामिल, प्रसून जोशी, अमिताभ भट्टाचार्य, इतने सारे गीतकार हैं उनके साथ भी लिखते रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि काबिल गीतकार खत्म हो गए। इसमें तो गुलजार सबसे बड़े होंगे, जाहिर सी बात है सबसे बड़े होंगे भाई। अरे नहीं, ये बहुत गिवन है कि यार कोहली तो सेंचुरी मारेगा ही, सचिन तो सेंचुरी, एफर्ट उसमें भी लगता है भैया। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं, हमें पसंद है उनके गाने, लेकिन हमें एज अ फिल्म, मतलब उनकी फिल्में ज्यादा पसंद है, फिल्मों में जितना संवेदनशील और जितना वो क्रिएटिव नजर आते हैं, या उनकी बच्चों के लिए जो कविताएं हैं, जो काम है उसमें जितना वो हमें उनका जो प्रतिभाशाली पक्ष नजर आता है, गाने उनके पता नहीं क्यों, या तो मेरा मिजाज, मेरा टेम्परामेंट दूसरा है थोड़ा, तो इसलिए शायद नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जिस गीत की आप बात कर रहे हैं वो किसी न वो हर अनचाहे भी बन जाता है किसी इंसान के इर्द गिर्द, तो वो उसे और ज्यादा बड़ा बना देता है जितना वो, और वो सर्कमस्टेंसेस के कारण होता है कि किसी इंसान की एक काबिलियत होती है और उस काबिलियत से कई बार कुछ बहुत ज्यादा बन जाता है वो। जैसे गुलजार अगर फिल्म गीतकार ना होते तो बतौर कवि, बतौर साहित्यकार के रूप में उनका इतना नाम नहीं होता, लेकिन फिल्म के थ्रू उन्हें ज्यादा लोग जानते हैं, तो इस वजह से उनकी किताबों के और उनकी कविताओं को पढ़ने वाले लोग भी बढ़ते गए। एक पूरी पीढ़ी आई जो वैसे साहित्य से जुड़ी नहीं है पर वो गुलजार और जावेद अख्तर का नाम देखकर किताबें खरीद लेती है, तो वो कल्ट बनने में शायद एक समाज जिस तरह से बदलता है उसका भी हाथ है। इस पे हम लोग एक अलग से और पूरी तैयारी के साथ और सारे रेफरेंस लेके एक अदालत पे एक बैठनी होगी, अदालत तो हम क्या ही बैठेंगे, एक बैठनी जिसमें सिर्फ इस पे बात होगी। और गुलजार के फैंस से हम एक बात कह दें भैया, वो बहुत बड़े गीतकार हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो छोटे गीतकार हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जरा साहिर मजरू, शैलेंद्र, शकील, राजेंद्र कृष्ण, इन लोगों को सुनिए और फिर देखिए कि गुलजार कहाँ है, तब पता चलेगा। ये आप सही कह रहे हैं, उन लोगों के बारे में नई पीढ़ी को जानना चाहिए, उन सब लोगों को, महान कवि गीतकार। पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, एक सेकंड में देखता हूँ अगर रखी भी हो वो, आपका ब्लर भी हिल रहा है साथ साथ में। एक सेकंड वो ब्लर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये यार मेरे पास एक किताब थी, मैं एक हम आपको वो बताते हैं, कवि प्रदीप ने एक गाना लिखा नास्तिक फिल्म में, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसके कुछ ही दिनों बाद साहिर लुधियानवी ने एक गाना लिखा रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म के लिए, देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, भूखों के घर में डेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान, कितना बदल गया इंसान। तो साहिर को जब हम देखते हैं फिल्मी गानों में जो जो उनका तेवर था, एक वासना फिल्म में उन्होंने लिखा, हो सकेगा न कभी रूह के जख्मों का इलाज, मिट सकेगा न कभी दुनिया से नफरत का रिवाज, सल्तनत जुल्म, स्टेट जो है वो जालिम है, सल्तनत जुल्म, खुदा वहम, मुसीबत है समाज। ये मुझे लगता साहिर का, साहिर जैसा गीतकार तो दोबारा नहीं हुआ भारत की फिल्मों, साहिर में एक ही था। यार ये बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे अपना लल्लन टॉप शो शूट करना है, ठीक है, बहुत ही अफसोस के साथ, मतलब ये मैं बिल्कुल घड़ी की तरफ नहीं देख रहा था, हमारी एक घंटे से लंबी बातचीत हो गई, लेकिन वो वही बहुत याराना लगता है वाला मामला, हम लोग, हमें पता ही, हम लोग ऐसे घंटों बात कर सकते हैं। नहीं, अब फिर से किसी दिन अलग से गौरव के साथ इसी विषय पर बात होगी, केतन को भी उसमें ले आया जाएगा। अभी ये जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तब भी हम हर वीकेंड पे ऐसे दो तीन मित्रों को स्काइप पे लेके एक बातचीत रिकॉर्ड किया करेंगे अपने दर्शकों के लिए,
और ऐसी दुनिया जहान की लंतरानी क्या करेंगे जो हम लोग असल जिंदगी में करते हैं। अब जो हमारे दर्शक परिवार के लोग हैं वो देखना चाहें तो उनका भी स्वागत है ना। बिल्कुल, बहुत मजा है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव सोलंकी, ये मैं एंकर सौरभ द्विवेदी कह रहा है दर्शकों की तरफ से। बाकी तो जब मिलेंगे तब गले वले लगाया जाएगा कोरोना से पार जाएगा आपको इस बार। वो तो तुम खिला ही देना तो बेहतर है। इडली मारेंगे तुम्हारी पीठ पे हम कोनी से अपनी। हमको अच्छा नहीं लगता जब हिमांशु वाजपेयी ऐसे मुस्कुराते हैं ना कि ये तो हमारे साथ हुआ है तुम्हारे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ जो लिखे हैं मेरे नसीब में वो अलम किसी को खुदा ना दे। चलिए सौरभ द्विवेदी, लॉकडाउन डे 3 आज आपने हिमांशु वाजपेयी और गौरव सोलंकी की बातचीत देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कल एक बार फिर एक नए चेहरे, एक नई नजर, एक नए ख्याल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थोड़ी बहुत गंभीर बातें, थोड़ी बहुत लंतरानियां। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपनों की सेहत का भरपूर ख्याल रखिए। आप दोनों भी और आप सब दर्शक भी जो कैमरे के उस पार हमें निहार रहे हैं, शुक्रिया।